नमस्कार, वॉइस ऑफ एशियंस के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपसे मिलवा रहे हैं इंटरनेशनल सूफी सिंगर मेंडी संधु से। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम, नमस्ते। मैं बहुत खुश हूँ आज वॉइस ऑफ एशियंस में आके, और धन्यवाद करती हूँ सुखमिंदर जी का जिन्होंने मुझे आपके रूबरू करवाया। तो मेंडी जी, आज आपकी जिंदगी, आपकी सफलता, आपके करियर, सभी के बारे में हम बात करेंगे दर्शकों के साथ जी। तो सबसे पहले बताइए कि आप सिंगिंग में कब से दिलचस्पी शुरू हुई, खास तौर पे बचपन के समय से? गुरुजी, हम बहुत छोटे थे जब से मैं सिंगिंग के साथ बहुत प्यार करती हूँ। मेरा फैमिली बैकग्राउंड ही रिलेटेड सिंगिंग है। मेरे मॉम ने फिल्म्स भी की हैं, कुछ कह लो कि उनका टाइम नहीं था या भगवान की मर्जी थी कि उनकी फिल्में बीच में रह गई, आफ्टर मैरिज वो फिल्में नहीं कर पाई कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। अदरवाइज मेरी मम्मा को बहुत शौक है, मेरे फादर का बहुत नाम है करतार सिंह रमला, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर सिंगर है, तो घर पे ये माहौल था इसलिए हमें भी सिंगिंग की लत पड़ गई। मुझे तो बहुत ज़्यादा पड़ गई और बचपन से ही मैं गाती आ रही हूँ। मुझे तो ऐसे लगता है मैं तो माँ की कोख से ही गाती आ रही हूँ, इट्स इन द होम कि मुझे सब कुछ मिला। तो कैसा रहा स्कूल और कैसा रहा फिर उसके बाद की एजुकेशन, और कैसे आप साथ साथ सिंगिंग को भी चलाते रहे? गुरुजी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, स्टडी में दिलचस्पी शुरू से कम रही है। प्लस टू कैसे की है वो मैं जानती हूँ। मैं स्टडीज पर्सन नहीं हूँ, मुझे प्रैक्टिकल चीज़ें करना ज़्यादा पसंद है। मैं सिंगिंग, मैं एस्ट्रोलॉजी की बुक्स पढ़ती रहती हूँ, सिंगिंग करना, डांसिंग करना, मुझे मतलब बचपन से शौक था बच्चों को इकट्ठा करके कोरियोग्राफी करने का, ऑर्डर करने का, ऐसे करो, नहीं ये स्टेप गलत जा रहा है, ये बेताला जा रहा है। मतलब शुरू से ही मुझे प्रैक्टिकल लाइन में आने का शौक था, जैसे क्रिएटिव लाइन में आने का, और मैं लकीली आ भी गई। बिल्कुल बढ़िया। और फिर कितने साल की उम्र में आपने अपना पहला गाना गाया, और कैसे कैसे ये सिंगिंग का सफ़र चलता रहा? गुरुजी, मैं भी 2-2.5-3 साल की उम्र से ही मैं एक बहुत इमोशनल कल्चरल गाना गाती हूँ जो कि लड़कियों की विदाई से संबंधित है। सड़ा चिड़ियां दा चंबा वे बबले असा उठ जाना, ये गाना मैं जब बचपन में गाती थी, मेरे मम्मा पापा यूज़ टू गेट इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते थे। तो ऐसे करते करते मैंने खान साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब को सुनना शुरू किया, मेरे फादर उनका गाना लगा देते थे, और बचपन में कितनी मेमोरी होती है वो सुनना और उसको रिपीट करना, वो याद हो जाता था किसी का यार ना बिछड़े ऐसा गाना वो सुनती थी। मैं उनको सुन सुन के बड़ी हुई हूँ, जवान हुई हूँ, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और जगजीत सिंह जी की। बस ऐसे ही मेरे अंदर गायकी आती गई और मैं गुनगुनाती गई। तो जैसे आपने बात की नुसरत साहब की, तो उनके किसी गीत की भी कुछ लाइनें हो जाएं। हाँ जी। इस तो डाडा दुख ना कोई, इस तो डाडा दुख ना कोई, यार ना बिछड़े किसे दा, यार ना बिछड़े। बहुत खूब, बहुत खूब। तो फिर पहली बार आपने जब गाने गाए, फिर आपने यूट्यूब पे भी बहुत से आपके गाने, आपके लाखों फैंस पूरे वर्ल्ड में देखते हैं, तो उनमें से कौन कौन से गीत आपके ज़्यादा पॉपुलर हुए? गुरुजी, सबसे पहले मुझे जो ब्रेक मिला था ना, वो बब्बू मान जी का गाना था जिप्सी काली, बहुत अच्छा उसमें मुझे रिस्पांस मिला, उसमें मुझे 2 लाइनें गाने का मौका मिला और मेरे लिए वो वरदान साबित हुई क्योंकि मैं सिंगिंग से बहुत मोहब्बत करती थी। बीच में मैं चैनल्स को ज्वाइन कर चुकी थी एज अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर, जब मुझे गाने का मौका मिला तो मुझे लगा मैं बैक कैमरा नहीं रहूँगी, अब मुझे फ्रंट ऑफ द कैमरा आना है। वो गाना मुझे काफ़ी प्यार मिला, जिन जिन लोगों ने सुना, वो वीडियो में नहीं है लेकिन ऑडियो में था, तो जिन जिन लोगों ने सुना मुझे सराहा। फिर उसके बाद मैंने धार्मिक प्रोजेक्ट किया, मेरी मैया दियाँ चुनियाँ, उसके बाद मैं जागरण करने लगी, फिर मैंने सूफी प्रोजेक्ट किया, सूफी सफ़र, ख्वाजा ने फड़ी मेरी बाँ, संयों में सुहागण हुई, उससे मुझे बहुत सराहना मिली, प्यार मिला, मोहब्बत मिला। यूँ ही मेरा सफ़र चल रहा है और चलता रहेगा। दादा ने पढ़ी मेरी बाँ, संयों में सुहागण होई, पीरा ने, दादा ने,
है कि आप फ्री टाइम में सोशल सर्विसेज बहुत करती हैं, जैसे हमारे वॉइस ऑफ एशियंस को भी जानने को मिला कि आप कहीं भी कोई डॉग देखती हैं जिसकी टांग टूट गई तो आप उठा के गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल ले जाती हैं, और घर में भी आपने 7-8 से भी ज़्यादा डॉग पाले हुए हैं, और पिछले दिनों तो एक गाय की टांग टूट गई तो आप गाय को भी उठा के हॉस्पिटल ले गई, कई दिन तक आपने उसकी देखभाल की, उसके बाद गाय ठीक हुई तो अब वो चलना शुरू हो गई। तो थोड़ा सा इन प्रोजेक्ट्स के बारे में भी आप हमारे ऑडियंस उनको ज़रूर बताओ। गुरुजी, मैं सोशल वर्क्स करती हूँ आज तक, लेकिन शोशा नहीं करती हूँ। मैंने कभी सोशल मीडिया पे ये नहीं कभी लिखा कि मैं डॉग्स की सेवा करती हूँ। मैं अपना इनपुट दे रही हूँ, बस हिडन तरीके से दे रही हूँ, और कुछ लोग मेरे साथ चैरिटी भी कर रहे हैं हिडन तरीके से, वो भी चैरिटी दे रहे हैं, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगी सबके सामने, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। तो डॉग्स की सेवा करना, मेरे को उनसे मोहब्बत है डॉग्स के साथ, हर तरह के एनिमल के साथ, ये मुझे नहीं पता क्यों, ये ऊपर से बन के आता है, और हो सकता है भगवान ने मुझे एक डॉग्स के लिए और एनिमल्स के लिए, काउज के लिए भेज दिया हो सेवक बना के, तो वो सेवा मुझे तब तक करनी है जब तक मेरी ड्यूटी लगी हुई है, और ड्यूटी इज़ ब्यूटी है तो सब जानते ही हैं, बहुत मोहब्बत है। एक किस्सा हुआ, गौ माता गिर गई, वो गरीब लोग थे, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उनसे गिर गई, जब मैंने देखा, मुझे लगा कि उस समय वो मर चुकी हैं, लेकिन जब मैंने देखा वो बिल्कुल ठीक थी, मैंने जैसे तैसे हमने हिम्मत जुटाई, उनकी बिरादरी के लोगों को लेकर मैं उसको हॉस्पिटल पहुंची, और जाके एक बैड न्यूज़ सुनने को मिली कि इसको मार देना चाहिए क्योंकि ये सर्वाइव नहीं कर सकती, अगर ये नहीं चल पाएगी तीन टांग पे तो ये गलने लगेगी, गलेगी तो कीड़े पड़ सकते हैं, मैगेट्स पड़ सकते हैं, अंदर ही अंदर वो मर जाएगी। लेकिन मेरी जिद थी, जिद क्या, भगवान ने मेरी इतनी मदद की कि आज वो गौ माता, मैंने उनसे सिग्नेचर करवाए हैं, PAU यूनिवर्सिटी वालों ने मेरी बहुत मदद की है, गढ़वासु ने, उनसे खुद लिखवाया डॉक्टर ने कि एनिमल इज एबल टू वॉक नाउ, काउ इज डिस्चार्ज। तो ये वर्ड जब मैंने उनसे लिखवाए और उसको जब मैंने डिस्चार्ज करवाया, आज वो अपनी टांगों पर चल के घर आई है, मैं बहुत खुश हूँ, बस इससे ऊपर मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सीरियसली आई एम वेरी हैप्पी। हम वॉइस ऑफ एशियंस के दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मैंडी संधू की ये न्यूज़ हमने कुछ दिन पहले वॉइस ऑफ एशियंस पर भी दिखाई थी, और उस न्यूज़ में भी आप देख सकते हैं कि गाय की हालत कितनी ज़्यादा बुरी थी, लेकिन मैंडी के प्रयासों से वो गाय बिल्कुल ठीक हुई। तो हम ब्लेसिंग्स देते हैं, भगवान इसी तरह आपको सेवा में लगाए रखें। अब बात करते हैं कि आपके फेवरेट सिंगर्स कौन से हैं, फिल्म स्टार्स में से कौन से हैं, मेल और फीमेल में से। अगर बात आ जाती है मेरे फेवरेट सिंगर्स की, तो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, अम्मी नूर जहाँ जी, तो मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं। और इंडियन सिंगर्स में मेरी छोटी सिस्टर, मुझे सैंडी बहुत पसंद है, जिन्होंने बहुत से लोगों को कंपटीशन में पिछाड़ कर एक बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल किया, आवाज़ पंजाबी बनी, बहुत ही सराहना वाली बात है। श्रेया घोषाल जी, सुनिधि चौहान जी, लता मंगेशकर जी तो देवी हैं, स्वर की देवी हैं, सरस्वती हैं साक्षात, आशा भोसले जी, मोहम्मद रफ़ी जी, लिस्ट बहुत लंबी है। बहुत बढ़िया। और फ्यूचर का आपका क्या प्लान है, आखिर में ये पूछते हैं आपसे। गुरुजी, फ्यूचर में मैं ये कहना चाहूँगी, मैं ये नहीं कहती मुझे लखपति बनना है, करोड़पति बनना है, बिजनेसमैन बनना है, सबसे पहले मुझे एक अच्छे इंसान बनना है। ये नहीं है कि कोई जानवर मरा पड़ा है आप गाड़ी रोकें और साइड से निकल जाएं, उसको मरा छोड़ दें, ये इंसानियत नहीं होती। नाम बनेगा, किस्मत के साथ स्टार भी बनेंगे और बन भी रहे हैं, लोग प्यार दे रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं, शोज पे इन्वाइट करते हैं, सम्मानित करते हैं, लेकिन उससे हटके जो मैं करना चाहती हूँ, बेसिक मेरा रीज़न है, मैं चैरिटी करना चाहती हूँ दबा के। अगर आप मेरी सपोर्ट करना चाहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं चाहूँगी आप भी सोशल वर्क्स में अपना इनपुट डालें। मैं डॉग्स की, काउज की इतनी सेवा करना चाहती हूँ ताकि उनके लिए एक कुकुरशाला या गौशाला एक मैं भी बना सकूँ, ताकि बेसहारा गौओं को और डॉग्स को मैं शेल्टर दे सकूँ। बहुत बड़ा आपका ये प्लान है, और बहुत ही बढ़िया प्लान है, एक जेनरस प्लान है। हम वॉइस ऑफ एशियंस की तरफ से पूरी की पूरी टीम आपके लिए कामना करते हैं कि आपके जितने भी ये सोशल प्लान्स हैं सभी बहुत ही सफल हों, और आप इसी तरह लाइफ में मेहनत करते रहिए और बहुत ऊंचाई को छूते रहिए। आखिर में फिर आपसे दो लाइनें एक और गीत की सुनते हैं, जो भी आपको गीत ज़्यादा अच्छा लगता है, कोई आपका चाहे हिंदी फिल्म का ही हो, कोई भी गीत। हाँ जी, खोजने फड़ी मेरी बांसियों में सुहागण होई, मौला ने फड़ी मेरी बांसियों में सुहागण होई,
मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ वॉइस ऑफ एशियंस का, सुखविंदर गुरु जी का। बहुत अच्छे ज्योतिषचार्य हैं, आपको अच्छा गाइड करते हैं, डेली आपकी सहूलत के लिए एक एपिसोड भी अपलोड करते हैं ताकि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ उल्टा सीधा कर रहे हैं तो उससे परहेज करके अच्छे उपाय करें। बहुत ही अच्छे इंसान हैं, सोशल वर्क्स में भी बहुत इनपुट है। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ आपकी पूरी टीम का सर, आपने मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया और मेरी इंटरव्यू की। थैंक यू वेरी मच पंडित जी, गॉड ब्लेस यू। हमेशा खुश रहिए, तरक्की करते रहिए और लोगों की इसी तरह मदद करते रहिए। धन्यवाद।